हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा एक वायरल हैक, जिसमें कई सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाए हैं और बताया है कि कैसे 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में आप प्रेशर कुकर में घी निकाल सकते हैं। तो कल मुझे घी बनाना था और मैंने सोचा चलो एक बार मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। तो वीडियो में आप अंत तक मेरे साथ बने रहें और पूरा वीडियो देखें और जानें कि क्या सचमुच में ये वायरल हैक काम करता है, ये सक्सेसफुल है या नहीं। और मेरे जो भी रिजल्ट्स हैं, मतलब वायरल हैक को जो ट्राई किया उसके बाद जो भी मुझे रिजल्ट मिला, मैं सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई, उसको जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना होगा। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए मिलकर टेस्ट करते हैं इस फेमस यूट्यूब वायरल हैक को। मुझसे गलती से मिस्टेक ना हो जाए इसलिए मैंने सबसे पहले इनके स्टेप्स नोट डाउन कर लिए थे। इसका रूल नंबर 1 था कि आपको घी बनाने से पहले मलाई को फ्रिज में से कम 1 घंटा पहले निकाल कर बाहर रख लेना है ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। इसके बाद आपको लेना है एक प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में आपको डाल लेना है थोड़ा सा पानी। पानी डालना सबसे ज़रूरी स्टेप बताया गया था ताकि नीचे से मलाई चिपके ना। जो भी हमारी मलाई थी, हमने जिसको पहले से ही फ्रिज में से निकाल के रख लिया था, इसको सब पूरा का पूरा कुकर में डाल देना है और चढ़ा देना है इसको गैस के ऊपर। 5 से 7 मिनट तक इसको हमें मेल्ट करना है। तो पहली बात तो यहीं पे, मतलब उनकी शायद गलती थी कि 5 मिनट में आप कैसे घी निकालोगे जब आपको 5-7 मिनट पहले इसको मेल्ट ही करना है। उसके बाद जब पूरी मलाई एकदम पिघल जाए, दूध जैसी हो जाए, तब आपको इसका ढक्कन लगा देना है और कुकर की सीटी आने का वेट करना है। सीटी को निकालना नहीं है। और भाई साहब, जैसे ही 5-6 मिनट के बाद कुकर की सीटी आई तो ये देखिए कितना बुरा हाल था यार मेरे किचन का। मतलब पूरा एकदम मेस क्रिएट हो गया। जो काम मैं 1 घंटे में करती थी नॉर्मली, उसमें मुझे 2 घंटे लगे। और किचन में गंदगी फैली वो अलग, कुकर गंदा हुआ वो अलग, और जो आसपास जितने भी यूटेंसिल्स थे, जो भी किचन के सामान थे, सब में छींटे पड़ गए। मतलब आप समझो मुझे कम से कम 1 घंटा तो किचन को साफ करने में लगा और 2 घंटे मुझे घी बनाने में लगे। फिर जब इसका कुकर मैंने खोला तो देखिए अंदर से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा था। जैसा मलाई हमने चढ़ाया था वैसा ही बचा हुआ था। बस खाली इसका टेम्परेचर हाई हो गया था, ये थोड़ा उबल रहा था, दैट्स इट। इसके बाद फिर से मैंने सोचा कि चलो देखते हैं, क्या पता भाई थोड़ा इसको मतलब हम गर्म करें तो क्या पता घी निकलने लगे। फिर मैंने इसको फिर से 10-15 मिनट तक गैस पे चढ़ा के चलाती गई, लेकिन इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जो कि नॉर्मली अगर हम कढ़ाई में घी बनाते हैं मलाई से तो थोड़ी देर बाद घी बनने लगता है। फिर थक हार कर मैं अपने चिर परिचित कढ़ाई में फिर से मैंने दोबारा से इस मलाई को डाला और जैसे नॉर्मल हम अपना प्रोसीजर जो आज तक करते आए हैं मलाई से घी बनाने का, उसी को फॉलो। मैंने तो इस हैक को ट्राई किया और जो भी मुझे रिजल्ट्स मिले वो मैंने आपके साथ शेयर किया। इस वीडियो से मैं किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल माई व्यूअर्स कि जो एक्चुअली हम देखते हैं कभी कभी वो चीज़ें गलत भी होती हैं। तो कुछ भी यूज़ करने से पहले, किसी भी चीज़ पर अंधा विश्वास करने से पहले, हमें उस चीज़ को हमेशा ट्राई और टेस्ट करके तभी उस पर बिलीव करना चाहिए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने भी ये हैक को ट्राई किया है और सक्सेसफुल हुए हैं या नहीं हुए हैं, जैसा भी आपका रिजल्ट रहा है, प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। और अगर इन फ्यूचर आप इस हैक को ट्राई करते हैं तो मेरे साथ उसके रिजल्ट्स भी शेयर कीजिएगा। इट मे बी पॉसिबल कि मुझसे कुछ गलती हुई हो या मैंने कुछ गलत किया हो, तो ये मतलब जो इसका रिज़ल्ट था मेरे लिए सक्सेसफुल नहीं रहा, ये एक फेल वीडियो था। अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि क्या आपको ट्राई करने के बाद इसमें सक्सेस मिली। तो वीडियो में से जाने से पहले प्लीज़ लाइक कर देना अगर आज की वीडियो आपको ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी है, ज़रा सी भी अच्छी लगी है। और हाँ, चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो बनता है ना। इतनी मेहनत की है मैंने आपके लिए, इतना नुकसान किया अपना, घी भी गिराया, मलाई भी गिराई और गैस खर्च किया वो अलग, पूरी मेहनत करके किचन साफ़ करी वो अलग। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और वायरल वीडियो का ऐसा हैक ट्राई करूं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप जो भी सजेस्ट करें मुझे मैं उसको करूंगी। जल्दी मिलेंगे न्यू वीडियो में, न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू नॉलेज, न्यू शेयरिंग के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय फॉर नाउ।